नरसिंहपुर बामनवाड़ा ग्राम निवासी हेमराज की लाश मिली ग्राम के ही एक खेत में। बीते 10 दिन पहले से था लापता। थाना करेली में थी गुमशुदगी की दर्ज। करेली थाना अंतर्गत ग्राम बामनवाड़ा निवासी हेमराज कहर 27 साल अपने घर से रात 8 बजे निकला, जिसके बाद वो वापस नहीं आया तो परिजनों ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत। जब हेमराज का पता साझी की गई तो कहीं जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई और लगभग 10 दिन बाद पुलिस को ग्रामीणों में सूचना दी। खेत में एक हड्डी बाहर दिख रही है जो मानव कंकाल हो सकता है। मौके पर जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ पहुंचकर खुदाई कराई तो एक मृत लाश मिली। जब हेमराज के परिजनों ने पहचान बताई तो वो लाश हेमराज की निकली। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला कायम कर संदेहियों से पूछताछ जारी की है। फिलहाल जांच के बाद ही इस अंधी हत्या का खुलासा हो पाएगा। सर, सर क्या मामला है? अभी 10 दिन बीते, 10 दिन से एक लापता व्यक्ति का शव एक खेत में मिला हुआ है। पिछले 8 तारीख को, वो 8 मार्च को वो लापता हुआ था और उसकी पत्नी शशिकला कहार ने हेमराज कहार के गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 मार्च को थाने में नोट कराई थी। 10 मार्च को उसमें गुम इंसान पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला था कि रात को करीब 7:30-8 बजे वो अपने घर से निकला था, ये कह के कि मैं कहीं पैसे लेने जा रहा हूँ। उसके बाद से फिर वो घर नहीं पहुँचा था। उसके कहीं बाहर जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा था। उसका मोबाइल 8 तारीख से ही लगातार बंद आ रहा था, अभी भी उसका मोबाइल मिला नहीं है। 20 तारीख को एक वहाँ पर सुनील स्वामी करके हैं, उनके खेत पे एक ऐसी हड्डी दिख रही थी जो लग रहा था कि ये किसी मनुष्य की हो सकती है। इस आधार पे उन्होंने जब कोटवार को बताया, फिर कोटवार के माध्यम से थाने में सूचना आई, फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पर। हड्डी जो दिख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आदमी के पैर की जो फीमर बोन होती है वो है, और कुछ कपड़े भी वहाँ पर ऊपर ही दिख रहे थे। तो कपड़ों को देख के जो गुमशुदा का पिता है उसका कहना था कि ये उसी के कपड़े हैं जो कि गुमशुदा था। तो पूरी आशंका थी कि वहाँ पर डेड बॉडी हो सकती है अंदर। फिर SDM साहब से अनुमति लेके डेड बॉडी को वहाँ से उखड़वाया गया, उत्खनन कराया गया उसका। तो उसको शव को देख कर चेहरे से तो पहचाना जाना संभव नहीं था क्योंकि लाश बहुत डिकम्पोज हो चुकी थी, 12 दिन बीत चुके थे। लेकिन उसके कपड़ों और उसके गले में एक ताबीज, एक जो लॉकेट पहना हुआ था दुर्गा जी का, उसके आधार पर उसके पिताजी ने उसकी पहचान की और उसके बाद फिर उस तरह से उसका पंचनामा वगैरह किया गया है। उसके सिर में बहुत ज़बरदस्त चोट है क्योंकि सिर की हड्डी उसकी पूरी तरह से टूटी हुई है। निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है, अंधी हत्या का प्रकरण है और हमने इसमें कल ही 302 की FIR, 302 और 201 भारतीय दंड विधान की FIR कर ली है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। पूछताछ उसमें जारी है, कुछ उसमें संदिग्ध हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और संभावना है कि जल्दी ही इसमें हम प्रकरण के तह तक पहुंच जाएंगे और हम खुलासा करेंगे कि किसने और क्यों ये हत्या की। बीते कुछ दिन पहले करेली थाना अंतर्गत ग्राम बामनवाड़ा का मामला, पत्नी ने लिखाई थी अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस को कल शाम सूचना मिलने पर वहां पर पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDOP के समक्ष जमीन के अंदर मनुष्य की हड्डी को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जब खुदाई करवाई तो वहां पर उसी व्यक्ति की शव की पहचान कराई जिसकी गुमशुदगी की थी रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस ने अंधा कत्ल पंजीबद्ध किया है जिसकी विवेचना जारी है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी जारी है। देखते हैं आगे होता है क्या, कौन निकलता है इसका मुलजिम। चंद्रशेखर मालवी, खबर भारतवर्ष। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।